हेलो एवरीवन, मेरा नाम अब्दुल्ला है। मैं आप सब लोगों को ट्यूटेक होम पे वेलकम करता हूँ। आज का हमारा जो ये ट्यूटोरियल है मैटलैब से रिलेटेड। इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं आप लोगों को मैटलैब की बेसिक्स इंफॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा। तो आइए मैटलैब को ओपन कर लें। जब आप मैटलैब को ओपन करेंगे तो आपके पास सामने इस तरह की विंडो आएगी, जिसमें आपके पास एक करंट फोल्डर होगा, एक कमांड विंडो होगी और एक वर्कस्पेस होगी। कमांड विंडो जो है ये मैटलैब की मेन विंडो है। इसके अंदर आप क्या करते हैं कि आप अपनी कमांड को लिखते हैं और रिजल्ट्स को देखते हैं। यानी बेसिकली आप मैटलैब के साथ अगर आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो कम्युनिकेट करने का जो तरीका है मैटलैब के साथ वो है कमांड विंडो। इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, सपोज आपके पास दो नंबर हैं और आप उनको ऐड करना चाहते हैं, जैसे 4 + 5, जब आप इस ऑपरेशन को लिख कर एंटर करेंगे यानी रन करेंगे तो आप देखेंगे कि एक वैल्यू क्रिएट हुई है 4 + 5 के साथ, विच इज़ 9, और वो स्टोर किसके अंदर हुई है, एक वेरिएबल जिसका नाम है आंस। ये जो वेरिएबल है ये मैटलैब की तरफ से ऑटो जनरेट होता है। और अगर आप देखेंगे राइट साइड पे तो राइट साइड के ऊपर हमारे पास एक वर्क स्पेस है। वर्क स्पेस के अंदर क्या होता है कि वर्क स्पेस के अंदर हमारे तमाम वेरिएबल्स जो भी हम बनाते हैं वो स्टोर होते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो वेरिएबल आया है ans, इस वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 9। अगर मैं यहाँ पे नई वैल्यू पुट करता हूँ, सपोज मैं डालता हूँ 5 + 6, इसको मैं एंटर करता हूँ तो जो हमारे पास नया आंसर आता है वो 11। अब आप अगर राइट साइड पे देखेंगे तो जो हमारा वेरिएबल पहले आंस की वैल्यू 9 थी वो अब अपडेट होके क्या हो गई है, 11 हो गई है। अगर हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक नया वेरिएबल क्रिएट करता हूँ कि हमारे पास एक वेरिएबल है ए, मैं उसकी वैल्यू रखता हूँ 5। अब देखेंगे कि अब हमारे पास एक नया वेरिएबल क्रिएट हो गया ए, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 है। हमारे पास ये जो वैल्यू आई है यानी ए इज इक्वल टू 5, अगर मैं यहाँ पे ए इज इक्वल टू 7 करता हूँ तो मैटलैब क्या करेगी कि वो एक वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको अपडेट कर देगी और नई वैल्यू पर डाल देगी 7। अगर आप राइट साइड पर जाकर वर्कस्पेस पे देखेंगे तो पहले हमारे पास 5 थी, अब हमारे पास क्या आ गया, 7 आ गया। तो कमांड विंडो के अंदर आप क्या करते हैं, बेसिकली इस विंडो के अंदर आप अपने रिजल्ट्स को देखते हैं और इस विंडो के अंदर आप कमांड्स को रन भी करते हैं। वर्कस्पेस के अंदर आपके सारे वेरिएबल्स स्टोर होते हैं। और करंट फोल्डर के अंदर क्या होता है कि ये करंट फोल्डर एक प्राइवेट फोल्डर डायरेक्टरी है जो मैटलैब यूज़ करता है आपकी फाइल्स को स्टोर करने के लिए। और अगर आप यहाँ पे आएंगे तो ये आपकी वर्किंग डायरेक्टरी है, यहाँ पे इसको आप अपनी अपने फोल्डर के अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। आई विल प्रेफर के आप जब इसको इंस्टॉल करें, जब मैटलैब को इंस्टॉल करें तो जो भी यहाँ पे वर्किंग डायरेक्टरी आए वो आपको उसी तरह रखें, तो आपको एरर्स नहीं फेस करने पड़ेंगे। अगर आप ऊपर देखेंगे तो हम जो है ये एक मेन्यू बार रखते हैं, उसके अंदर आप देखेंगे कि हमारे पास न्यू वेरिएबल क्रिएशन का एक ऑप्शन यहाँ पे भी है, ओपन वेरिएबल का ऑप्शन है, क्लियर वर्कस्पेस का ऑप्शन है, सेव वर्कस्पेस का ऑप्शन है। इन सब के बारे में मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर बताऊँगा स्टेप बाई स्टेप। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे 3 टैब्स हैं, और अगर हम प्लॉट के टैब्स को क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लॉटिंग के लिए ऑप्शन आ रहे हैं। लेकिन इनको प्लॉट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक वेरिएबल सेलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन वेरिएबल्स की मल्टीपल वैल्यूज होनी चाहिए। तो ये क्या करेगा, हमारे लिए कोई भी जो प्लॉट हमें ड्रा करना होगा वो ड्रा कर देगा। जैसे सपोज आपको पाई ग्राफ ड्रा करना है तो वो पाई ग्राफ ड्रा कर देगा, हिस्टोग्राम ड्रा करना है तो वो हिस्टोग्राम ड्रा कर देगा। और फिर हमारे पास ऑप्शन आता है ऐप्स का। ऐप्स का ऑप्शन जो है ये मोस्टली यूज होता है इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर। इस फील्ड के अंदर मुख्तलिफ जो है ना बिल्ट इन फंक्शन है मैटलैब के, जो हम यूज़ करते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। तो अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे एक फंक्शन है मैटलैब कोडर का। ये मैटलैब कोडर क्या करता है कि जब आप एक कोड क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैटलैब, तो अगर आप उस कोड को चाहते हैं कि वो कोड जो है आपका सी या सी प्लस प्लस में कन्वर्ट हो जाए, तो आप ये ऐप यूज़ करते हुए उसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए मुख्तलिफ एप्लीकेशन हैं, जैसे सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए डिफरेंट बिल्ट इन फंक्शन हैं जो यूज़ किए जाते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको सभी के बारे में स्टेप बाई स्टेप बताऊँ। इंशाल्लाह इन सब के बारे में हम आगे आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन है
इस ट्यूटोरियल से रिलेटेड तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सभी सवालों का जवाब दे सकूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मुलाकात होती है। होप टू सी यू अगेन।